हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। ये जगह कौन सी, शमशाबाद जी के आश्रम पे ये गौवंश यानी गायों की भी सेवा होती है। हनुमान जी का मंदिर है और ओह ये देखिए माई को चुनरी पहनाई जा रही है, वस्त्रदान दिया जाता है, तो वो ये देखिए वस्त्रदान दिया जा रहा है माई को। आज चूंकि नर्मदा जयंती है तो ये देखिए भगवान भास्कर भी अस्तांचल की ओर चल दिए और कितना सुंदर व्यू आ रहा है माई में, दो दो भास्कर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ लोग गांववासी भी आए हुए हैं और ये माँ नर्मदा जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यहाँ के समस्त आसपास के गांववासी, आसपास के क्या कहें, लोग दूर दूर से आते हैं और माई के इस जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए। और ये देखिए एक बहुत छोटा सा आश्रम है जहाँ महात्मा जी अकेले रहते हैं, हमेशा अकेले रहते हैं। परिक्रमावासी आ जाते हैं तो उनकी सेवा कर देते हैं, नहीं तो वो अकेले ही रहते हैं। और आज देखिए कितना हुजूम, ये पंपिंग सेट माई से देखिए चाय के लिए कितने देखिए पाइप पड़े हुए हैं। और यही बिजली की व्यवस्था होने से देखिए इस तरीके से सिंचाई का साधन हो गया, जिससे ये हरे भरे खेत आपको दिखाई देते हैं। ऊंची नीची ज़मीन है लेकिन हरे भरे हो, बहुत अच्छी पैदावार। ये देखिए माई को वस्त्रदान दिया जा रहा है और ये देखिए इधर से सामने सूर्य भगवान पड़ रहे थे तो क्लियर नहीं आ रहा था वीडियो। आवास उसमें देखिए कि नर्मदा जी को वस्त्र दान किया जा रहा है, चुनरी चढ़ाई जा रही है माँ पे। ये दीपदान नर्मदा जी को महाराज जी द्वारा। महाराज जी ने देखे एक दीप दान किया, अब क्रमशः सभी लोग एक एक दीप उठाएंगे और माँ नर्मदा जी को अर्पित करेंगे। देखिए देखिए कैसे दीपदान किया गया है माई को उनके जन्मदिन पर।
बदे हार देखिए गाय दोहने का टाइम हो गया, तो बच्चों को लग रहा है कि मुझे भी दूध मिलेगा पीने को। महाराज जी के आते ही देखिए कैसे हलचल होने लगी। देखिए ये देखो, ये देखिए सूर्यास्त होने जा रहा है, कितना प्यारा दृश्य लग रहा है। नर्मदे हर ये महाराज जी की छोटी सी बगीची अमरूद आदि के वृक्ष है। वो बिल्कुल देखिए नर्मदा जी का दर्शन, नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे पर ये आश्रम स्थित है। महाराज जी नल से देखिए जल निकालते हुए, देखिए माँ के तट का सुबह सुबह का नज़ारा। बहुत सुंदर लगता है ये, इतनी अच्छी जगह है कि यहाँ पर 24 घंटे माई के दर्शन होते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर श्री कष्ट भंजन सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, और यहीं पर एक महात्मा जी रहते हैं, सीताराम दास जी। तो महात्मा जी तो अभी नर्मदा जी की परिक्रमा पर हैं, तो उन्हीं के शिष्य यहाँ पर हैं। तो आइए देखते हैं, मुलाकात करते हैं, अगर महात्मा जी से मुलाकात हो जाए और उनकी अनुमति हो जाए कुछ वार्तालाप करने की, तो हम अभी दर्शकों को अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए गौवंश जिसकी सेवा यहाँ होती है,